जी है कि नहीं है, क्योंकि कल मैंने देखा जोनाथन खुद को, जोनाथन भाई तुम खुद को नेल कर रहे थे उसमें, 2-3 बार फेल भी हो गए वो तो गलत चिंता भाई वो मेरे, तो मैं बोला भाई ये जिगल देता है वो तो अच्छी बात है, बट जब छोड़ो नेल क्या फेंका बोल तो रहे, उसमें भी जिगल दे रहा है गलत चिंता हो तो भाई ओके ओके, तो रैयत भाई ऐसा मत मारना भाई मेरे को प्लीज भाई। इजी ओके इजी, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ रैयत भाई एंड जॉनी भाई गुड लक आप लोगों को मैच के लिए, एंड अगले थैंक यू 1 मिनट के अंदर गेम स्टार्ट हो रहा है, नहीं स्टार्ट 1 मिनट हो भी नहीं, गया, दस डन सेकेंड डन हो गया स्टार्ट, ओके ओके, फाइव डन चलो चलो। तो फोर थ्री एग्जिट कर टू, सकते ना ये से, हाँ तो हाँ कर सकते हो, 1 गुड लक एक मिनट, गाइस अरे एक मिनट एग्जिट किधर, वो एग्जिट की तरफ ही बोल के गया ओके तो गेम यहाँ पे स्टार्ट होता है, 12 सेकंड हम लेट आए, बट कोई बात नहीं चलता है, 12 सेकंड तो इतना बचपन का प्यार, यहाँ पे जोनाथन जंप किए कॉकी हो रहे पहले ही राउंड से, रेयद यहाँ पे पुशिंग करने की कोशिश, जोनाथन यहाँ पे पीक एंड फायर देने की कोशिश करेंगे, रेयद अब यहाँ पे पुश करेंगे, दोनों ही काफी ज्यादा एक दूसरे के क्लोज आते हुए, जोनाथन यहाँ पे पहला फिनिश करेंगे, पहला किल निकालते हुए रेयद और जोनाथन के बीच में 1 पॉइंट की लीड, जोनाथन लेके यहाँ पे आगे मूव इन करेंगे, मिड वेयर हाउस होल्ड किया है यहाँ पे रेयद, उनके लेफ्ट आने की कोशिश करेंगे, जोनाथन ने भाप लिया था, फ्री फायर दिया है, एक गोली टच हुई, हमको देखा कि M4 ग्लेशियर की एक नीली नीली गोली निकली बाहर, रेयद यहाँ पे काफी ज्यादा लो होंगे, वहीं रेयद ने रिटर्न में बोला कि भैया ऐसा गन में गोली मेरे भी है, दोनों आपस में एक दूसरे के गोल गोल चक्कर मार रहे थे, एंड रेयद कमिंग अप विद अपर हैंड ऑन जोनाथन, एक एक का इक्वलाइजर यहाँ पे सेट करते हुए रेयद, जोनाथन यहाँ पे रैम के ऊपर चढ़ेंगे, फाइट लेने की कोशिश की, वहीं लेफ्ट हैंड साइड से पुश करेंगे, फिर कंफ्यूज करके राइट हैंड साइड से जा रहे हैं, ट्रेन के ऊपर चढ़े, यहाँ पे थोड़ा बहुत फायदा जोनाथन को मिल सकता है अगर वो ऊपर रहते, बट कोई बात नहीं, नाम भी तो जोनाथन है भाई, नीचे उतरे और फिर भी पेलम दे दी, टपा टप बोलते, यहाँ पे मिड वेयरहाउस होल्ड करेंगे, एंड अब देखना ये होगा कि रेयद यहाँ पे राइट हैंड साइड से जोनाथन के पुश कर रहे हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली फाइट तो सीमेंट स्लैब के पास की होगी, एंड यहाँ पे तीन गोली मारी, खोपड़ी खाली, रेयद के तीनों गोलियां हेड पे चिपकी, एंड घर वापसी का रास्ता दिखाया उनको, यहाँ पे मिड वेयरहाउस होल्ड किया, पीक देने की यहाँ पे गलती की रेयद ने, वो गलती को बिल्कुल भी ये हाथ से काफी ज्यादा लो किया, बट हेल्थ रीजन पे ऊपर आ चुके हैं फिर से जॉनी, हेल्थ अपनी पूरी तरीके से रीजन कर लिए होंगे, बट हेलमेट वेस्ट उनके पास नहीं होगा, और हेलमेट वेस्ट ना होने की वजह से यहाँ पे जॉनी को घर का रास्ता यहाँ पे रेयद ने दिखाया, एक तरीके से अच्छा ही है, जॉनी के लिए रीसेट हो गया था, 1 पॉइंट की लीड है अभी भी जोनाथन के पास, एंड बात करते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से रेयद पुशिंग करेंगे जोनाथन के, जोनाथन यहाँ पे रैम के ऊपर चढ़ेंगे, एंड रैम के ऊपर से फ्री फायर देने की कोशिश करेंगे, अब देखना ये होगा रेयद पुश करते हैं जोनाथन, यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को पुश करने का सोचे, बट अपोजिट डायरेक्शन में रेयद यहाँ पे ऊपर चढ़ चुके हैं, ऊपर ये रैम वाली जो फाइट है ना ये काफी ज्यादा तगड़ी होती है, क्या ही जिगल फाइट थी दोनों प्लेयर्स के बीच में, एक तरीके से बोला जाए तो कतई मजा आ गया भाई, ये वाली वन ऑफ द बेस्ट जिगल फाइट्स अभी तक की जो मैंने देखी पूरे टूर्नामेंट में, रेयद वर्सेस जोनाथन, ये जो अभी हुआ था, जोनाथन यहाँ पे अचानक से रेयद के सामने आए, रेयद ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी अचानक से वो सामने आएंगे, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, 5 पॉइंट यहाँ पे जोनाथन के, 2 पॉइंट यहाँ पे रेयद के, रेयद यहाँ पे 3 पॉइंट से पीछे हैं, बट अभी टाइम बहुत ज्यादा बचा है, 7 मिनट का समय बचा है, डेफिनेटली कमबैक हो सकता है, जोनाथन यहाँ पे रेयद को काफी ज्यादा लो करेंगे, बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ा, एंड रेयद को पुश करके मारा, अपने आप को नेट करेंगे जोनाथन और रिसेट होके आएंगे, नया वेस्ट चाहिए भाई, मौका नहीं देना चाहते वो एक भी पॉइंट हाथ से गवाने का, रेयद यहाँ पे पुशिंग करेंगे, उनको मालूम है कि जोनाथन अभी अपने बेस से निकले होंगे, एक गोली पैर पे मारी है, 10% HP लॉस हुई है, रैंप वाली फाइट है, जोनाथन जोनाथन को नानी याद दिला दी गई है, बोले भाई भाग 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 शेर आया, रेयद यहाँ पे रैम की फाइट में पूरी तरीके से जोनाथन को डेमोलिश करते हुए एंड पुश इन करके मारेंगे, यहाँ पे फिर से जोनाथन रिसेट होके आए हैं, रेयद यहाँ पे पुश इन करेंगे, रेयद पिछली किल के बाद काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, जिगल फाइट, क्या ही जिगल फाइट हो रही है रैम के पास वाली, रेयद ने लग रहा है यहाँ पे कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर लिया है अपना पूरी तरीके से, जोनाथन को 2 बार मारने के बाद अब देखना ये होगा कि तीसरी बार भी इन्हें रो क्या वो जोनाथन को मार पाते, पीक पीक दिया, गोली मारी, जंप करने की कोशिश की यहाँ पे जोनाथन ने, बट फेल होते हुए यहाँ पे कि यार ऐसे तो नहीं चल पाएगा, रेयद यहाँ पे बैठे अपनी पोजीशन दे दिए, एक बार फिर से मूव इन करेंगे और फिर से फायर देके अपनी पोजीशन बता दिए, जोनाथन को भी पता चल गया उनकी पोजीशन, जोनाथन बोले भाई ऐसा है,
ये देखना है मुझे, ये जरूरी है, ये देखना है मुझे, अच्छा है मेरे लिए, ये टूर्नामेंट के लिए अच्छा है। हेल्थी कंपटीशन डेफिनेटली होना चाहिए, और थोड़ा डर्टी भी। यहाँ पे मिड वेयर हाउस में फाइट ली जाएगी, दोनों के बीच में फ्री फायर वाली बैटल चल रही है। फ्री फायर वाली बैटल में जोनाथन यहाँ पे रेयत को पूरी तरीके से लो करते हुए, अब देखना ये होगा कि क्या वो रेयत को मौका देते हैं एचपी रीजन करने का। यस, एचपी रीजन होना चालू हो चुकी है रेयत की। रेयत अब फुल एचपी पे आए हैं, पुशिंग करने की कोशिश करेंगे सीमेंट स्लैब्स पे। ये फाइट हुई, जंप करने की कोशिश की, बट गोलियां कोई भी कनेक्ट नहीं होती हुई, दोनों का पी हुई। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से दोनों के बीच में यहाँ पे सीमेंट स्लैब पे टीपी वाली फाइट चल रही है। जोनाथन यहाँ पे रेयत को घर का रास्ता दिखाएंगे एंड बोलेंगे कि भाई ऐसा है कि यहाँ से चटको। मिड वेयर हाउस यहाँ पे होल्ड गया है जोनाथन ने, रेयत यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से पुश करने की कोशिश करेंगे। जोनाथन यहाँ पे प्री फायर देते हुए पूरी तरीके से प्री फायर देंगे। रेयत को यहाँ पे काफी ज्यादा लो किया है क्योंकि रेयत ने गलती कर दी पीक लेने की। जोनाथन के प्री फायर में एक गोली हेड पे लगी थी, उसके अलावा तो वो बच निकले। अब हेल्थ तो रीजन हो जाएगी जोनाथन का, वहीं अगर वेस्ट की बात करें तो काफी ज्यादा लो बचा है वेस्ट। एंड यहाँ पे एडीएस दिया रेयत ने, रेयत को काफी ज्यादा अच्छा जिगल पीक जिगल फायर दिया एंड वेस्ट जो है पूरी तरीके से जोनाथन की जो है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। रेयत ने अपनी पोजीशन दे दिया, बट जोनाथन बोलते तुम अपनी पोजीशन दो, कुछ भी दो, मैं जा रहा हूँ घर पे, घर से खाना वाना खा के वापस आऊंगा और फिर तुमको पे लूंगा एकदम फ्रेश होके। रेयत पूरी तरीके से फ्रेश है, नया हेलमेट वेस्ट। जोनाथन एकदम पूरी तरीके से फ्रेश है, नया हेलमेट वेस्ट। देखना ये होगा कि अब यहाँ पे कौन इसके ऊपर भारी पड़ेगा। रेयत यहाँ पे पहला मूव लेते हुए पहली गोली चलाएंगे, जोनाथन को लो करेंगे एंड उसका फायदा उन्हें मिलता हुआ। अभी जोनाथन यहाँ पे थोड़े से एक्स्ट्रा कॉकी हो गए थे, ओपन में काफी ज्यादा आ गए हैं, रेयत ने इसका फायदा उठाया। दोनों के बीच में यहाँ पे वुड लॉक्स के पास फाइट होगी। जोनाथन ने एंगल भी बनाने की कोशिश की कि वुडन लॉक्स के बीच में से एंगल बनाओ, पर रेयत भी काफी ज्यादा समझदार है, उनको वहां का एंगल नहीं दिया। यहाँ पे रेयत ने थोड़ा बहुत यहाँ पे गोली मारा, 10% एचपी लॉस हुआ। दोनों आपस में रिंगा रिंगा रोजेस कर रहे थे। ओ जोनाथन भाई, ओके ओके। रेयत यहाँ पे घूम के आने की कोशिश किए थे, बट जोनाथन ने उनकी जो पोजीशन है उनकी मूवमेंट है वो भाप ली थी। एंड रेयत यहाँ पे पुशिंग करेंगे, जोनाथन काफी ज्यादा लो होते हुए यहाँ पे, रेयत यहाँ पे पुशिंग करेंगे सीमेंट स्लैब्स के पास। यहाँ पे ये फाइट ली जाएगी फिर से। यहाँ पे यार ये फाइट बड़ी लंबी चलती है, जंप शॉट्स होते हैं, प्रोन शॉट्स होते हैं, एक दूसरे के आसपास घूमते रहते हैं काफी लंबा, बट जोनाथन बोल रहे हैं सीमेंट स्लैब की फाइट को मैं ज्यादा चलने नहीं दूंगा, मैं बाहर निकलता हूं और मर जाता हूं। 10-7 का ये स्कोर है, 3 पॉइंट की लीड है जोनाथन के पास। 3 मिनट का टाइम बचा है, कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी बताओ कि आप लोग यहाँ पे जोनाथन के लिए आए हो या रेयत के लिए आए हो भाई, और जीतेगा कौन? लग रहा तो यहाँ पे जोनाथन है, बट 3 पॉइंट की लीड ज्यादा नहीं होती, और वही 3 पॉइंट की लीड को 2 पॉइंट की लीड कर दिया है रेयत ने। 10-8 का स्कोर चल रहा है, हेलमेट और वेस्ट काफी ज्यादा डैमेज था रेयत का, तो रेयत यहाँ पे घर वापसी लेंगे अपनी एंड फिर से नया कवच पहन के आएंगे अब वापिस। जोनाथन को पता चल चुका है कि रेयत अब बेस से बाहर निकलेंगे, तो वो गन पीछे रख के दौड़ रहे थे, अब उनको मालूम है उनकी पोजीशन, उन्होंने देख भी लिया है, दोनों को एक दूसरे की पोजीशन मालूम है। पुशिंग करेंगे जोनाथन यहाँ पे, वहीं रेयत अभी भी रैम के ऊपर रहेंगे। अगर जोनाथन को ये लीड मेंटेन करके रखनी होगी तो यहाँ पे रेयत को मारना पड़ेगा, जो कि वो मारेंगे क्योंकि वो नहीं चाहते वो किसी तरह इस टीडीएम टूर्नामेंट से बाहर निकले, क्योंकि भाई वो टीडीएम के बादशाह गिने जाते, वन ऑफ द बादशाह इंडिया के, जो बोला जाता है कि टीडीएम गॉड है। तो वो यहाँ पे प्रूव करते हुए कि कुछ भी हो जाए क्वार्टर्स भी क्लियर करूंगा, सेमीज भी क्लियर करूंगा और फाइनल्स में भी जाऊंगा। वहीं रेयत बोल रहे कि इतनी आसानी से तो तुम्हें सेमीज में नहीं जाने दूंगा ब्रो, क्योंकि मैं भी कंपटीशन के लिए आया हूं और मैं तुम्हें मार के सेमीज में जाऊंगा। रेयत यहाँ पे 2 पॉइंट से पीछे है जोनाथन के, बट 2 मिनट का समय बचा है और कमबैक बहुत बहुत इजीली पॉसिबल है। इजीली पॉसिबल इसलिए है क्योंकि वो रेयत है एंड जोनाथन को यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज दिया है। मौका उनको मालूम है कि यही मौका है उनको पुश करने का, बट जोनाथन यहाँ पे हील कर लेंगे पूरी तरीके से। वुडन लॉक्स के पास फिर से ये फाइट हुई, दोनों के बीच में फिर से जिगल वाली फाइट हो रही है। पीक कौन देखे, पहले प्री फायर देता है, पिस्टल पे आएंगे, पिस्टल पे आके रेयत को फिनिश करेंगे। 1 मिनट 15 सेकेंड यानी कि 75 सेकेंड का गेम बचा है, 3 पॉइंट की लीड है। 25 सेकेंड में एक किल रेयत को करना ही करना है, हर 25 सेकेंड में एक किल। क्या ये हमारे इस टूर्नामेंट का पहला टाई ब्रेकर हो सकता है, देखना ये होगा। रेयत यहाँ पे पुशिंग करेंगे, उनको मालूम है उनको पुशिंग करना ही पड़ेगा क्योंकि उनके पास समय नहीं बचा है।
अगर उन्हें लीड कवर करनी है तो उन्हें अब हर बार पुश करना पड़ेगा, वहीं जोनाथन जो है शांति से बैठ के अपना गेम खेल सकते हैं। उन्हें मालूम है उन्हें बस समय जाया करना है सामने अपोनेंट का। वहीं रेयत अब एक टाइम बॉम्ब पे उनको पुश करना ही करना है, वो जो कर रहे हैं। बट जब आप जल्दीबाजी में होते हैं तो आप लोगों से गलतियां होती है, और वही गलतियां यहाँ पे अभी रेयत नहीं ना चाहते हुए भी करेंगे, क्योंकि उन्हें पॉइंट्स के डिफरेंस को कम करना है। बट वहीं जोनाथन जो है अब उन्हें एक भी पॉइंट नहीं दे रहे कि मैं तुम्हें दूंगा। पिस्टल पे आ चुके हैं, उन्हें मालूम है एक एक पल के लिए सेमीज में तो वो क्वालिफाई कर चुके हैं। पिस्टल पे आएंगे, काफी ज्यादा लो करेंगे रेयत को, बट रेयत बोलेंगे भाई मैं ऐसा अपोनेंट तो नहीं हूँ कि जिसको तुम पिस्टल से मार दो, ठीक है। ज्यादा पॉइंट से नहीं जीत रहे हो, 4-5 पॉइंट से ही जीत रहे हो, तो पिस्टल अपनी अंदर ही रखो, समझ रहे हो। रेयत यहाँ पे पुशिंग करेंगे, 8 सेकंड का गेम बचा है, आखिरी फाइट हो सकती है दोनों के बीच में। रेयत यहाँ पे 15-11 4 पॉइंट का डिफरेंस रहा है, एक आखिरी फाइट का देखने को मिल सकती है। यहाँ जोनाथन यहाँ पे 5 पॉइंट की लीड से अपना रास्ता